हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम रफ्शा खान फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश। आज गाइस हमारी क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन थर्ड, क्वेश्चन आंसर डे थर्ड, यानी आज हमारी सेकंड क्लास का डे थर्ड है आज, लेसन थ्री। जिस ये आपको मैं आज आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी राइट करवाऊंगी लेसन थर्ड की। यस गाइस, लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है आपकी मिरिकल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। ये बुक आपको जल्द से जल्द मार्केट से परचेस करनी है ताकि आपको स्टोरी और पोइम्स की रीडिंग आप लाइन टू लाइन होम पर रीड कर सकें। इसका फर्स्ट था पोएम बे टेबल्स एंड एट द सी साइड लो यस्टरडे, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब चढ़ेगा हमारा लेसन थर्ड ए न्यू होम। लेसन थर्ड का नेम है न्यू होम, यानी कि एक नया घर। या अगर आपके पास बुक अवेलेबल है अभी तो आपको ये मिलेगा पेज नंबर 8 और 9 पे, 8, 9 और 10। इस पेज की रीडिंग कर रही हूँ मैं इसको। ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट राइट कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट, इतना कि आपको इसकी स्टोरी का मीनिंग समझ में आ जाए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से इसको लाइन टू लाइन रीडिंग कर सकते हो मैच करके लाइनों को, वरना मैंने इसको शॉर्ट करके राइट करके मैं आपको बता दूंगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं लेसन आज हमारा, लेसन थर्ड ए न्यू होम। अमित, उमा एंड सुमिता वर इन द बेड वेटिंग फॉर मदर। तीन बच्चे होते हैं, मैं अंडरलाइन करती हूँ, अमित, उमा एंड सुमिता। जो मैं अंडरलाइन करती हूँ आपको मेन पॉइंट्स को बिल्कुल माइंड में फिट करना है। अमित, उमा एंड सुमिता वर इन द बेड एंड वेटिंग फॉर मदर। जब वो अमित, उमा एंड सुमिता जो तीन बहन भाई हैं वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं, वेटिंग करते हैं फॉर मदर टू रीड, यानी पढ़ने के लिए, डैम यानी इनको सुनाती हूँ कि माँ ए बेड टाइम स्टोरी, यानी सोने से पहले की एक स्टोरी विथ ए बिग ब्यूटीफुल पिक्चर। उसकी अब उसकी मैंने कहा था क्यों मैंने इस लेसन को बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो उसकी माँ जब इंटर होती हैं वो हाथ में लेकर के आती हैं एक बिग ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक। के लिए क्या आती है, एक ए बिग ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक, यानी कि एक चित्र वाली कहानी की पुस्तक या किताब आप कह सकते हो, वो उसकी माँ लेकर के हाथ में आती हैं। अमित, उमा एंड सुमिता वर इन द बेड एंड वेटिंग फॉर मदर टू रीड देम ए बेड टाइम स्टोरी विथ ए बिग ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक। जब अमित, उमा एंड सुमिता अपनी माँ का सोने वाले कमरे में बेडरूम में इंतजार करते रहते हैं कि उनकी माँ आएंगी और उनको एक स्टोरी सुनाएंगी। जब उनकी माँ एंटर होती है ए बिग ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक, एक बड़ी सी किताब लेकर के आती है, बुक लेकर के आती है, पिक्चर स्टोरी बुक, इसमें चित्र होते हैं बताने वाले, उससे उनकी माँ उनको स्टोरी सुनाती हैं। What do you want to hear today? उनकी माँ पूछती है, What do you want to hear today? आज तुम क्या सुनना पसंद करोगे? A people story, एक इंसानों की कहानी, और an animal story, या फिर एक जानवरों की कहानी। उसकी माँ बोलती है, What do you want? तुम क्या सुनना चाहोगे, क्या सुनना पसंद करोगे? To hear story, एक today, आज के दिन, a people, यानी एक इंसानों की कहानी, और एन एनिमल स्टोरी, या फिर जानवरों की कहानी सुनना पसंद करोगे। दोबारा बताती हूँ गाइस लाइन्स का मीन्स। अमित, उमा एंड सुमिता वर इन द बेड एंड वेटिंग फॉर मदर टू रीड देम ए बेड टाइम स्टोरी। अमित, उमा एंड सुमिता जो बच्चे होते हैं तीन, वो अपनी माँ का बेडरूम में इंतजार करते हैं, उनको सुनाते हैं उनकी माँ क्या मैं क्या सुनाते हैं उनकी माँ उनको एक कहानी सुनाती है, सोने से पहले स्टोरी सुनाती है। विथ ए बिग, उसकी माँ एंटर होती है बिग ए ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक, एक बड़ी बुक लेकर के आती है पिक्चर स्टोरी बुक उनको सुनाने के लिए। अब वो पूछती है, व्हाट डू यू वांट टू हियर टुडे, आज तुम क्या सुनना पसंद करोगे? ए पीपल स्टोरी, एक इंसानों की कहानी, और एन एनिमल स्टोरी, या फिर जानवरों की कहानी। वो अपने बच्चों से पूछती है, उसकी माँ एंटर होती है एक पिक्चर बुक लेकर के स्टोरी वाली, तो पूछती है, व्हाट डू यू वांट टू हियर टुडे, आज आप क्या सुनना पसंद करोगे? पीपल स्टोरी, एक इंसानों की कहानी, और एन एनिमल स्टोरी, या फिर जानवरों की कहानी। तो जो बच्चे होते हैं उनमें से बोलते हैं, और हम क्या सुनेंगे यार, ए एनिमल स्टोरी, एक जानवरों की कहानी सुनेंगे आज हम। तो उसकी माँ कहती है, ऑल राइट, ठीक है, लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट फादर टॉडे। टॉडे भी सोते हैं कछुए, टैडपोल्स। ऑल राइट, ठीक है, लिसन टू दिस स्टोरी, चलिए इस कहानी को सुनते हैं अबाउट, जो कि बारे में है, फादर टॉडे एंड हिज बेबीज, उसके बच्चों की, एक मेंढक और उसके बच्चों की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी। फादर टॉडे वाज ए काइंड एंड क्लेवर टॉड। जो फादर टॉड है बहुत ही कैसे हैं, काइंड, दयालु, क्लेवर, चतुर, क्या है, टॉड, यानी कि टैडपोल, यानी कि मेंढक है। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, और वे क्या करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं बहुत ज्यादा। कौन? फादर टॉडे, जो कि एक मेंढक है, वो अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। फादर टॉडे वॉज ए काइंड एंड क्लेवर टॉड, ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन,
मदर टॉडे पुट द बेबी टैडपोल इन द पॉन्ड, जो मदर उनकी जो पत्नी होती है मदर टॉडे पुट द बेबी टैडपोल इन टू ए पॉन्ड, उन्हें कहा ले जाती है एक तालाब के अंदर। वन डे, एक दिन, अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है हमारी यहाँ से वन डे से। इतना तो हमारा था कि मम्मी ने उनसे बात की, उन्होंने पूछा कि मैं आपको क्या बताऊं, एक एक मेंढक की कहानी बताती हूँ, माता मेंढक और पिता मेंढक की। तब इस यहाँ से वो कहती है कि जो पिता मेंढक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस। वन डे फादर टॉडे सा देखता है दैट की वाटर वॉज ड्राइंग अप। वन डे, एक दिन फादर टॉडे, वो फादर होते पिता टॉडे होते हैं, वो देखते हैं सा देखा डैट वाटर वाज, जो कि पानी था, ड्राइंग अप इन द पॉन्ड, कैसा हो गया था, सूखने लगा था, जो पानी था कम होने लगा था, सूखने लगा था। समर हैड कम सून, और गर्मियां जल्दी ही आने वाली थी। द टैडपोल डिड नॉट हैव इनफ वाटर टू स्विम इन, और उसने देखा कि जो टैडपोल है, टैडपोल्स ऐसे होते हैं पूरी तरीके से मेंढक का विस्तृत नहीं होना, उनमें छोटे छोटे पर्स निकले रहते हैं, पर वो उनकी लेग्स नहीं बनती है, बस उनको बोलते हैं टैडपोल्स। द टैडपोल डिड नॉट हैव इनफ वाटर टू स्विम इन, उन्होंने देखा कि जो टैडपोल्स है मेरे बच्चे, उनको तैरने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। फादर स्टार्टेड ड्रिंक थ्रू द वॉल, अब जो कि उनका घर था, इसकी लेसन का नेम जैसा कि न्यू है, एक नया घर, तो उस जो जिस तालाब में वो रहते हैं उसमें देखा कि उन्होंने पास पानी सूखना चालू हो गया है, तो उसके बगल में क्या थी, एक झील थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो दीवार थी उसमें एक होल कर दिया, बहुत हार्ड वर्क करके उसमें दीवार में होल कर दिया, फिर अपने बच्चों को उसमें एक सेफ ले गए, जो उन्होंने वो होल बनाया था उसी को ये न्यू होम का नाम दिया गया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ड्रिंक वाटर ट्रॉट द वॉल ऑफ सैंड ही वर्क हार्ड वेरी हार्ड, अब जो तो वो फादर टॉड थे, उन्होंने देखा कि पानी सूखने लगा है, मेरे बच्चे इसमें कैसे स्विम करेंगे, तो उन्होंने जो तालाब था उसके बगल में झील थी, उसमें एक बीच में दीवार थी, तो उस दीवार में क्या कर दिया, उन्होंने हॉल कर दिया, वर्क वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, एंड ड्यूब विद हिज स्ट्रॉन्ग लैग, उसकी मजबूत टांगों से उसमें उन्होंने क्या कर दिया, खोद खोद के गड्ढा सा होल कर दिया, मेड एक गैप बना दिया इन द वॉल बिटवीन द लैग एंड द पॉन्ड, कहां पर बनाया वो गैप उन्होंने, बिटवीन बीच में लैग एंड द पॉन्ड, एक झील और एक तालाब के बीच में एक उन्होंने होल बना दिया, गैप बना दिया, द पॉन्ड वर जॉइंड बाय ए होल, जो कि तालाब था वो जुड़ गया था उस शेष से, इन द वॉल दीवार के, ऑल द टैडपोल्स सभी मेंढक्स जो थे, एंड फादर एंड मदर, जो कि मदर टॉडे और फादर टॉडे थे, वर सेफ, बच गए इन द लैग, उस झील में। मदर एंडेड द स्टोरी, अब उसकी मतलब वो हैप्पीली उसमें अंदर रहने लगे, तो मदर एंडेड यानी उनकी जो माता होती हैं उमा अमित एंड सुमिता की, वो एंड कर देती है स्टोरी का, जिससे कि मैंने आपको बताया लेसन बहुत बड़ा है, पर मैंने इसको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में राइट किया है, तो मदर एंडेड कर देती है, अंत कर देती है द स्टोरी, उस कहानी का। अमित आस, जो अमित है, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अमित आस्क सो एनिमल एल्सो नीड वाटर, के जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है मम्मी, यस अमित, हाँ अमित, एवरीवन नीड वाटर, सभी मानव प्राणियों की इसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, यस अमित, एवरीवन नीड वाटर, सभी को पानी की आवश्यकता होती है, ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट, जैसे कि मानव जानवर और पेड़ पौधे, वाटर इज वेरी प्रीसियस, पानी क्या है हमारा बहुत ही अनमोल है, और हमें इसकी केयरफुली खर्च करना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फादर टॉडे इज लाइक अवर डैडी, अब वो जो उमा है वो कहती है जो फादर टॉडे जिस तरीके से अपने बच्चों की केयर की, उन्होंने एक होल बना करके उसको लैग से और पॉन्ड से ज्वाइन कर दिया ताकि उनके बच्चे तैर सके, तो वो कहती है फादर टॉडे जो है इज लाइक अवर डैडी, वो हमारे पिता के जैसे हैं, ही लव हिज बेबीज टू, और वो अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करता है, सैड उमा है, खुशी खुशी है, उमा ने ये कहा, क्या कहा उसने कि जो फादर टॉड है वो भी क्या है हमारे डैडी की तरह है, हमारे पिताजी की तरह, जैसे हमारे पापा हमको प्यार करते हैं उस तरीके से जो फादर टॉड है वो भी अपने बच्चों को टैडपोल्स में बहुत प्यार करते हैं, सैड उमा एप्पली है, उमा ने ये खुशी से कहा। तो गाइस ये थी हमारी लेसन थर्ड की स्टोरी, ए न्यू होम, इसमें एक नया घर कहता यानी कि एक लैक एंड द पॉन्ड वर जॉइंड बाय ए होल, तो ये एक पॉन्ड को उससे जोड़ दिया था उसने, ठीक है। तो गाइस मैंने इस स्टोरी को बहुत शॉर्ट में राइट कर दिया, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इसको इससे मैच करके इस स्टोरी को होम पर रीड कर सकते हो।
आज का सेम ऐसे आपका इसको आपको राइटिंग पेज में आपको राइट करना है, होम पेज को रीड करना है, सेम ऐसे एंड रीड इट, सेम एस एंड रीड इट। ओके गाइज, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विथ अस।